हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटो में। आज हम बात करने वाले हैं रेनो क्विड के बारे में। अपने सेगमेंट की एंट्री लेवल कार है, मतलब अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 470,000 एक्स शोरूम से इसका बेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड अभी आपके सामने खड़ा है इसका RXL ऑप्शनल वेरियंट। अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो लगभग 522,000 एक शोरूम और लगभग 600,000 रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो इतने पैसों में क्या कुछ देती कंपनी इसके अंदर, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें आते हैं RXE, RXL, RXL ऑप्शनल, RXT और क्लाइंबर। बाकी इसके अंदर आपको अर्बन नाइट एडिशन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरी गाड़ी ब्लैक देखने को मिलती, जिसका रोड प्रेजेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। अगर की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको रिमोट की मिलेगी, लॉक अनलॉक के बटन है। यहाँ पे आपको रेनो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो दूसरी वाली की वो आपको नॉर्मल सी मिलेगी, उसमें कोई बटन नहीं मिलते हैं। आप चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में देख लीजिए, ऐसे कुछ आपको रेनो की ब्रांडिंग, रेनो का लोगो देखने को मिल जाएगा। जो इसकी ग्रिल है पूरी ब्लैक में रखी गई है। अगर आप टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्रोम वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा भी सकते हैं, एज ए एक्सेसरीज यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको LED DRL मिलते हैं। नीचे आपको हेलोजन में हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं। दो बाउल आपको मिलते हैं हाई और लो बीम के लिए। एंड जब सामने बैठ के देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा फ्रंट फेसियल नज़र आने वाला है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, आप सुन के चौंक जाएंगे, इसके अंदर आपको मिलता है 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब आपको एक एंट्री लेवल कार के अंदर काफ़ी बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। ये तो गए फ्रंट फेसियल की बात। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है बोनट, यहाँ पे सिंगल वाइपर आपको दिया गया है, वॉशर की प्लेसमेंट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर एंटीना की प्लेसमेंट। अगर इंजन की बात की जाए तो सिर्फ आपको एक इंजन ऑफर किया था, 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो निकाल के देता है आपको 68 BHP की पावर और 91 NM का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो आराम से आप 21 से 22 तक का निकाल सकते हैं, आपके चलाने पे डिपेंड करता है। ये तो गई फ्रंट की बात। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से देख लीजिए, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे लुक्स पूरे नज़र आने वाले हैं। सबसे पहले इसके व्हील्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको व्हील्स मिलेंगे। स्टीली में व्हील कवर्स आपको मिलते हैं, रेनो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सीएट के टायर दिए गए। अगर टायर सेक्शन की बात करें तो 165/70R14, मतलब 14 इंच के आपको ये स्टील व्हील यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लैडिंग वगैरह दी जा रही, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। एंड मिरर्स की बात करें तो ऐसे कुछ आपको मिलते हैं पूरा ही मैट फिनिश में। बाकी एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये लीवर सा मिलेगा, इनको एडजस्ट करने के लिए कोई आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। नीचे कोई क्लैडिंग नहीं है, ये आप यहाँ पे स्टिकर देख पा रहे हैं। यहाँ पे 1.0 मतलब इसके इंजन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसका जो बी पिलर है आपको मिलता है बॉडी कलर्ड। एंड रियर में ड्रम और फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएंगी, और यहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल। 28 लीटर की आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाती है रेनो क्विड के अंदर। तो गई साइड प्रोफाइल के बाद अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर से देख लीजिए, ऐसे कुछ आपको पूरे यहाँ पे लुक्स नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा हेमोट शॉप लैम्प, कोई डिफॉगर वाइपर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे रेनो की ब्रांडिंग है, कोई कैमरा नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे आपको टूरिन का ऑडियो सिस्टम दिया जा रहा है। क्विड की बैजिंग है। नीचे की बात की जाए अगर देखेंगे तो यहाँ पे तीन रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। पूरा ये मैट ब्लैकनेस और बॉडी कलर बम्पर मिलता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको रेनो की बैजिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं, तो आप अपनी की से इसके बूट को एक्सेस कर पाएंगे। अगर स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 279 लीटर का बूट स्पेस, मतलब ठीक ठाक स्पेस है एंट्री लेवल सेगमेंट के हिसाब से। और इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं और अच्छा रहता है। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा स्पेयर व्हील, टूल किट वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। अगर साइज की बात की जाए तो कहाँ है भाई, 14 इंच का ही दिया जा रहा है, मतलब कोई कॉस्टिंग यहाँ पे नहीं की जा रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर आपको मिलती है पार्सल ट्रे, आप इसको हटा भी सकते हैं अगर आपको हटाना चाहें तो। और इन सीट को फोल्ड करना है तो यहाँ पे आपको ये लीवर से दिए गए, जिससे ये फोल्ड हो जाएगी। दो हेडरेस्ट हैं जिनको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, फिक्स आपको मिलने वाले हैं। ये देख लीजिए इसका फ्रंट डैशबोर्ड, अभी आगे बैठते हैं फिर कवर करते हैं इसको। अब चलिए बूट को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके सेकेंड रो में। तो यहाँ पर ऐसे कुछ आपको मिलते हैं ये मैट फिनिश में इसके डोर हैंडल्स। डोर ट्रिम देखेंगे तो पूरा आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का लीवर दिया जा रहा है, डोर ओपनर है, मैनुअल विंडो के कंट्रोल्स हैं। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी रियर में, इसमें सिर्फ दो ही स्पीकर आते हैं। रियर में देखेंगे तो इतने कुछ आपको लेग रूम, हेड रूम, दो हेडरेस्ट, फैब्रिक की सीट्स, आप इसमें बाद में सीट कवर लगवा सकते हैं। अब चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। तो अंदर बैठने के बाद आपको इतना कुछ नी रूम, लेग रूम देख लीजिए, थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। भाई एंट्री लेवल कार है, इतना कुछ आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। बाकी सेंटर में आपको ऐसा कुछ यहाँ पे ये सीट बेल्ट्स के हुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये अंदर का पूरा इंटीरियर, ग्रैब हैंडल, दो हेडरेस्ट, पीछे पार्सल ट्रे। फ्रंट डैशबोर्ड की बात की जाए
तो ऐसा कुछ आपको मिलता है यहाँ पे, देख लीजिए। स्टेयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, टूटिन का ऑडियो सिस्टम मिलता है, मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, और अभी आप देख रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन को। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा RXT वेरिएंट की तरफ। ये तो गई रियर से बात, अब चलते हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट पे। डायमेंशंस की बात की जाए तो 3731 mm लेंथ है, 1580 mm इसकी विड्थ है, और 1474 mm आपको हाइट देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं मैट फिनिश में इसके डोर हैंडल्स। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो ऐसा कुछ आपको पूरा ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, कोई ड्यूअल टोन कलर नहीं है। लॉक अनलॉक का लीवर आपको मिलेगा यहाँ पे, डोर ओपनर, ये वार्मिंग के कंट्रोल्स। कोई स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे भी नहीं दी जा रही है, वो आपको मिलते हैं यहाँ फ्रंट डैशबोर्ड पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिलेगा, कोई पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं, वो आपको सेंटर कंसोल में देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट कैबिन में इतना कुछ आपको मिलता है स्पेस, आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं उनको भी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, फैब्रिक की सीट्स। और अगर अन्यथा स्पोर्ट की बात की जाए तो वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, यहाँ से रिक्लाइन कर पाओगे, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फिल कैप ओपनर, यहाँ पे देखिए बूट ओपनर, मैनुअल ABC पेडल्स, यहाँ से आप बोनट खोल सकते हो, हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पे आपको ये हुक वगैरह देखने को मिल जाता है। ये इसके AC के वेंट्स हैं। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ कर सारे फीचर्स कवर करते हैं। अब आ चुके हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट पे, और ये रही इसकी की। चलिए गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आपको फुली डिजिटल टच देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको दी जा रही है MID, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इधर आपको दिया जा रहा है RPM, इधर आपको इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल गेज, और इस MID के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, ट्रिप पे ट्रिप भी, माइलेज रेंज वगैरह सब कुछ आप यहीं से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको रेनो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है, बाकी क्लस्टर देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये तो गई क्लस्टर की बात, अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की, जो आपको मिलता है डिकट शेप में। रेनो की ब्रांडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, इधर आपको हेडलैम्प के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। ये तो गई स्टीयरिंग की बात, अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको ऊपर AC के वेंट्स, ये आपको मिलता है म्यूजिक सिस्टम, इसके अंदर आपको दिए जाते हैं 2 स्पीकर्स जो कि फ्रंट में लगे हुए हैं। बाकी इसमें आप ब्लूटूथ वगैरह USB ऑक्स चला सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल जाती है, ये हैजार्ड का स्विच है, यहाँ पे आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल दिए जा रहे हैं, यहाँ से आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं, और ये लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ पे मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे कुछ स्पेस, और ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। आप इसको ऑटोमेटिक में भी ले सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा आपको RXT वेरिएंट में। मैनुअल हैंडब्रेक, ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भाई देख लीजिए, मतलब गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा स्पेस दिया जा रहा है। मतलब इतनी छोटी सी कार है, लेकिन इस ग्लव बॉक्स के अंदर कितना अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको कुड की बैजिंग मिलती है, दो एयरबैग आपको यहाँ पे मिलेंगे फ्रंट में, ऊपर नॉर्मल सा IRVM है, इधर सनवाइजर में कोई मिरर नहीं मिलेगा। अगर कोर ड्राइवर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलते हैं लाइट के कंट्रोल्स। ये तो हो गए पूरे इंटीरियर की बात, अब चलिए गाड़ी को ऑफ करेंगे, बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइस। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो इसमें आपको ABS विद EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड हेड लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, और यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 एयरबैग्स। प्राइसिंग की बात की जाए तो RXL ऑप्शनल वेरिएंट है, लगभग 5,22,000 एक्स शोरूम और 6 लाख रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। अगर आपका बजट है 5 से 6 लाख के बीच में और आपको छोटी सी कार चाहिए जिसके अंदर आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिले, आपको बाहर से कुछ भी छिड़वाने की आवश्यकता ना पड़े, तो आप जा सकते हैं इसके RXL ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ। तो ये थी रेनो किट, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू रेनो आलमबाग लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी रेनो कार्स, विजिट दिस रूम, आपको काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।